हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड, आप ये जो देख रहे हो एक ऑल इन वन सुपर कुकर है जो पिजन से है। ये मैंने अमेजन से ऑर्डर किया था, अभी दिसंबर का अभी सेल चल रहा था। तो इसका जो कॉस्ट मेरे को आया है वो अराउंड 1800 कुछ अमाउंट है, और यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये 3 लीटर वाला एक कुकर है जो मल्टीपर्पज यूज हो सकता है। यहाँ पे आप इसका फोटो भी देख सकते हो। ओके, तो ऑल इन वन पिजन से है जो लिखा है ऑल इन वन सुपर कुकर। तो इसमें ये सब LEDs है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसा है। ओके, और ये आपका 7 डेज रिटर्न पॉलिसी पे आता है, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 ईयर का वारंटी है, और कैपेसिटी यहाँ पे लिखा है 3 लीटर कैपेसिटी। ओके, तो देखते हैं प्रोडक्ट कैसा है। ओके, वैसे अमेजोन का जो पैकेजिंग होता है वो यहाँ पे नहीं है। ये जैसे आप देख रहे हो ये ऐसे ही डिलीवर हुआ था। पैकेजिंग के मामले में थोड़ा सा बेकार है, जो कि जनरली अमेजोन का पैकेजिंग होना चाहिए। वो मैंने अपना फीडबैक दे दिया है, डिलीवरी फीडबैक जो अमेजोन से। तो चलिए देखते हैं, पहले इसका MRP आप देख लो। यहाँ पे जो MRP है इसका 3445 रुपया है, और मंथ एंड मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 12/2022, मतलब बहुत रिसेंट है। अभी दिसंबर ही है तो वो बहुत रिसेंट है। चलिए देखते हैं इसको खोल के क्या क्या है इसके अंदर। ओके, तो सबसे पहले जो आता है ये वारंटी कार्ड। ओके, तो 5 ईयर का वारंटी है। अभी तक तो हमने कभी क्लेम नहीं किया है, ज़रूरत नहीं पड़ी है, बट इसको संभाल के रखना है, ये कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, यहाँ पे आपका वारंटी कार्ड जो है इस पर आपका डिटेल इन्फॉर्मेशन डालना है। वैसे आपका जो बिल है वो भी काफ़ी है। ओके, आप अपना बिल को भी डाउनलोड करके सेव करके रख देना, जैसे कि अमेजोन का इनवॉइस जनरेट होता है। तो इसको साइड में रख देते हैं। उसके बाद ये स्टील का एक लीड है जो यहाँ पे पिजन का यहाँ पे लोगो है उसका, और काफ़ी स्ट्रांग है, मतलब ठीक है। और इसका ये जो प्लास्टिक है ये भी मुझे लगता है इजीली अगर ब्रेक हो जाता है तो आपको मिल जाएगा मार्केट पे। कुछ कुछ चीज़ें क्या होता है जब ये ख़राब हो जाता है तो वो मार्केट पे ढूंढना मतलब बहुत मुश्किल होता है, बट ये बहुत कॉमनली यूज्ड ये जो आप मटेरियल देख रहे हो मुझे लगता है ये इजीली मिल जाना चाहिए। ये जो आप देख रहे हो ये मतलब आपका जब चावल बनाते हो तो उसका पानी निकालने के लिए ये हेल्प होगा। तो जब राइस बनाते हो तो अगर उसको उबालना इससे निकालना है पानी तो ये छन्नी का काम करेगा, तो काफ़ी यूजफुल लग रहा है। ये मैं कैंपिंग पर्पस के लिए यूज़ करने का प्लान है मेरा एक्चुअली, तो देखते हैं। और ये एक लीड है ग्लास का, तो अंदर का खाना कैसे पक रहा है, जल गया कि नहीं, वो सब क्लियरली आपको दिखेगा। तो बेसिकली खाना आपका नहीं जलेगा फिर। और यहाँ पे गैस जाने के लिए थोड़ा एक छोटा सा होल दे रखा है। और क्या है यहाँ पे, ये कुकर मतलब यही है, रबर दे रखा है। ओके, चलिए देखते हैं इसका लीड कैसा है। तो ये 3 लीड है एक कंटेनर के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे जनरली जो प्रेशर कुकर पे रबर आता है ये वही रेगुलर रबर है जो मार्केट पे इजीली ये अवेलेबल हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये खराब होने वाली चीज है, ये मतलब 1-1.5 साल में ये रबर खराब होता ही होता है। तो आप जब भी कोई प्रोडक्ट ले रहे हो ना, ये चीज ध्यान में देना है कि मार्केट में ये जो चीजें हैं जो मतलब एसेसरीज है, अगर कुछ खराब होता है, ये खराब होता है, ये खराब होगा तो ये प्लास्टिक टूटेगा, तो ये सब इजीली मिलना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है, मैच टू बॉडी हैंडल प्रेशर एंड रिटर्न एंड टर्न। तो पिजन का आप लोगो यहाँ पे देख सकते हो, दोनों साइड पे ये आपका एक हैंडल दे रखा है। और ये है सबसे रेगुलर जो प्रेशर कुकर होता है उसमें थोड़ा ज़्यादा डीप रहता है। ओके, तो बेसिकली हमको एक ऐसा प्रेशर कुकर चाहिए जो कि मल्टीपर्पज यूज हो सके, सब्जी वगैरह बनाना है और लास्ट में उसको अगर अच्छे से बॉईल करना है, जल्दी खाना बनाना है तो उसका LED पे कवर कर देना है। जैसे आप बिरयानी बना रहे हो तो ये जो बर्तन है बिरयानी बनाने के लिए या कुछ सब्जी बनाने के लिए बहुत यूजफुल है एक्चुअली। और ये इंडक्शन पे भी काम करेगा, आप नीचे देख सकते हो। ओके, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ये अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा फिनिशिंग पे थोड़ा कंप्लेन है, आप देख सकते हो ये जो फिनिशिंग है थोड़ा सा कंप्लेन है, थोड़ा प्लास्टिक का स्मेल भी आ रहा है। और यहाँ पे भी आप देखो फिनिशिंग ठीक नहीं है। ओके, तो ये जो आप मटेरियल देख रहे हो ये एल्यूमिनियम नहीं है, स्टील भी नहीं है, इसको बोलते हैं ये एनोडाइज। ओके, ये इसको बोलते हैं हार्ड एनोडाइज प्रेशर कुकर। तो
ये मतलब हेल्थ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एल्युमिनियम पे आजकल थोड़ा लोग कॉशस हो गए हैं, यूज करना थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं, ओके, तो ये वो हार्म नहीं करेगा। तो चलिए इसके ऊपर पहले एक बार लीड लगा के देखते हैं और देखते हैं ये कैसे मतलब बैठ रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो ये है हमारा प्रेशर कुकर, सबसे पहले इसको ट्राई करते हैं, ओके। तो ये इसको ऐसे लगा दिया और ऐसे मोड़ दिया, ये आप देखो यहाँ पे ये बहुत अच्छे तरीके से फिक्स हो गया है। और इसका ऊपर का एक और ये है इसके ऊपर जो सिटी, ओके, यहाँ पे भी लोगो है इसका, ये देखिए परफेक्ट साइज है। अगर आपका एक छोटा फैमिली है, ओके, तो ये जो प्रेशर कुकर काफी काम आने वाला है, ओके। तो यहाँ पे आप बहुत क्विकली आप खाना को गर्म कर सकते हो, बॉइल्ड कर सकते हो बेसिकली। चलो इसको पहले ये पहला वाला एलईडी को खोल देते हैं, थोड़ा टाइट है, ओके ओके, चलो इसको साइड कर देते हैं। दूसरा वाला ये देखो, ये भी पूरा परफेक्टली आ रहा है, ठीक है, कहीं पे कुछ गैप नहीं है, ये भी अच्छे से आ रहा है यहाँ पे। तीसरा वाला जो है ये है, ये भी अगर आपको चावल बनाना है ऐसे चावल बना लीजिए, तो ये आप देख सकते हो काफ़ी यूजफुल है ये वाला एलईडी। तो ये 3 लीटर वाला है जो अराउंड 1800 आता है, और 150 रुपीज़ अगर आप ज़्यादा दोगे तो फिर वो आपको 5 लीटर वाला आपको इजीली मिल जाएगा। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप परचेज कर सकते हो, ओके। तो हमारा मतलब ज़्यादा बड़ा साइज नहीं चाहिए था, इसीलिए हमने 3 लीटर वाला लिया है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये रबर का ये कुछ व्हाइट आ रहा है, तो ये रबर पे कुछ इन्होंने लगाया है लिक्विड लगता है, हाँ ये देखिए ये रबर से कुछ थोड़ा लिक्विड आ रहा है। तो इसको अच्छे से पहले क्लीन करना पड़ेगा और उसके बाद इसको हम यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा फिनिशिंग के मामले में पिजन को थोड़ा सा मतलब कॉशस होना पड़ेगा कस्टमर को, ओके। ओवरऑल अगर प्रोडक्ट देखा जाए तो 1800 रुपीज पे मुझे वैल्यू फॉर मनी लगती है। तो अभी इसको हम लोग रखेंगे और यूज करेंगे, और कुछ टाइम यूज करने के बाद डिफरेंट वीडियो पे मैं अपना एक फीडबैक वाला एक वीडियो इसका बनाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और आगे भी ऐसे प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग और इसी तरह का वीडियो अगर देखना है तो मैं अपना एक्सपीरियंस इसी चैनल पे शेयर करता रहता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, ताकि आगे भी आपको ऐसा वीडियो देखने को मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू, बाय।